उसमें मुझको पूरे तौर पर आपके साथ शामिल होने का अवसर मिला था, लेकिन आज के बारे में हमको बहुत अभी तुरंत मिला, जबकि मुझको कहीं और भी जाना है और वहां के लिए हमने कह दिया है, इसलिए पहले से ही तय था तो जा रहे हैं। तो आज तो हम आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और बिहार में तो पूरे तौर पर जिस तरह से हम लोगों ने सभी भवनों के निर्माण के लिए आज जो यहां पर बैठे हुए हैं, तो आप देख लीजिए कि किस तरह का भवन बना, कैसा बगल में देखिएगा बापू सभागार बना, एक एक चीज को देख लीजिए कि किस तरह से किया है। अब बापू सभागार देखिएगा, उसकी कैपेसिटी है 5000 की, अभी नहीं है कहीं देश में, इतना सब कुछ करवा दिया गया है। और किस तरह का बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर हुआ है, इसके बारे में तो विस्तृत आपको देंगे, क्योंकि हम शुरू करेंगे तो ज्यादा समय लगता है। और दूसरी बात है कि जो हम लोगों ने एक एक चीज बनाया है, आप लोग आए हुए हैं, तो हम तो एक बार आग्रह करेंगे कि जरा बिहार म्यूजियम भी लोगों को दिखवा दीजिएगा, इस तरह से बिहार म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाया है, उसको भी देख लीजिए। और बिहार में जो भी काम और इतने और बिल्डिंग्स का निर्माण कराया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि हमने इन लोगों को कहा है कि चाहे बिल्डिंग बने, सड़क बने, पुल बने, कोई भी चीज बने, उसका निरंतर मेंटेनेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी तरह की कोई कमी आए। और उसके लिए हमने विभाग को ही कंसर्न विभाग को ही कहा इसके लिए और जितने लोगों को बहाली करना है बहाली करिए, बाकी चीज के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन जब एक बार बन करके तैयार हुआ तो मेंटेनेंस करना चाहिए पूरे तौर पर। अब इसके लिए मेरी बात कुछ मान करके उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस जब होगा पूरे तौर पर तो आप देख लीजिए कभी कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, एक एक तरह की चीज को देख लिया। तो यहां पर आप जाकर के देखिए, कई बिल्डिंग्स के बारे में भी जरूरत हो तो जरा सा हमारे जो बनाए हैं हम इनों के लिए पुलिस वालों के लिए सरदार पटेल भवन वो भी देख लीजिए, और वो कितना स्टेटस का 9 वेक्टर स्केल पर, तो 9 वेक्टर स्केल तक में कुछ नहीं हो सकता है। अब आप सोच लीजिए कि भूकंप आएगा भी 9 वेक्टर स्केल तक में कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्डिंग बना दिया है, और वहीं पर आप समझ लीजिए ऊपर से कहीं एक हेलीपैड रहेगा, अगर कहीं कुछ होगा तो सब जाकर के वहां पर लोग देख करके और जो भी करना है उसको करेंगे, वो भी हम लोगों ने बनवा दिया है। और वहां से पुलिस ही नहीं है, आपदा प्रबंधन के लिए कि सब जगह से वहां पर काम है, और जो लोग भी वहां पर रहेंगे 7 दिन तक किसी भी तरह की उनको दिक्कत नहीं होगी, अंदर सारा इंतजाम। तो अगर जरूरत हो तो आप बात कर लीजिए, अरे आप भाई तो है ही ना, आप देख लीजिए यहाँ पर करा ही रहे हैं, तो इन लोगों को वो भी जरा दिखला दीजिए, अच्छा रहेगा, इन सब चीजों को दिखवा दीजिएगा। सब लोग आ गए हैं और पता चला है कि 18 हमको तो आप लोगों ने खबर भेजा तो उसमें था, बड़ी खुशी की बात है कि 20 जगहों से आप सब लोग आ गए, तो आप सब लोगों का यहाँ स्वागत है। ये गरीब राज्य, लेकिन इसके बाद भी हम लोग काम करते रहते हैं और सबके उत्थान के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर तो जो कुछ भी देखिएगा अच्छा ही लगता है। अब आप लोगों को पता है कि हम भी इंजीनियरिंग पढ़े थे, लेकिन हम इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं किए, हमको नौकरी मिल गया था तब भी हम नौकरी नहीं किए, हम तो इसी आंदोलन में लग गए, जैसे मुकुट कर तभी से अपना सब कुछ शुरू हो गया, आगे बढ़ते रहे, और हम लोग तो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग आए हुए हैं तो हमको तो आना ही था, हमको खुशी न थी, हम जो पढ़े हैं तब आप लोग आ गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, सब जगह के लोग आ गए तो बहुत आप लोगों का अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और जरा सा यहाँ कुछ जगहों को जरूर देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसा बन रहा है। और चूंकि आप लोग विशेषज्ञ भी हैं, अगर कुछ भी हमने विचार रखा है इन लोगों को, अगर आप लोग भी सुझाव देकर के बनाएंगे कि किस तरह से और बेहतरीन ढंग से मेंटेनेंस हो सकता है तो बहुत लाभ होगा। इसलिए आप लोग आए हैं और 2 दिन तक आप लोगों का है, और इसमें पूरे तौर पर एक एक बात करना चाहिए, और हम राज्य सरकार के लोगों से भी कहेंगे
इनकी पूरी बात गंभीरता पूर्वक सुनिए और जो कुछ भी लोगों का अनुभव है उसके आधार पर आपको कुछ देंगे तो उसके आधार पर आप सब लोग अपनाइए उन सब चीजों को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, पटना में आए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और अगर हम बैठते लेकिन हम कोई इजाजत दीजिए, हमको जाना है, अभी राजगीर पहुंच जाना है बहुत जल्द, इसलिए ही शब्दों के साथ मैं आप सब लोग और पता चला है कि 18 जगहों खबर भेजा था उसमें 20 राज्य। बड़ी खुशी की बात है कि 20 जगहों से आप सब लोग आ गए, तो आप सब लोगों का यहाँ स्वागत है। ये गरीब राज्य लेकिन इसके बाद भी हम लोग काम करते रहते हैं और सबके उत्थान के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर तो जो कुछ भी देखिएगा अच्छा ही लगता है। अब आप लोगों को पता है कि हम भी इंजीनियरिंग पढ़े थे लेकिन हम इंजीनियरिंग पर नौकरी नहीं की, हमको नौकरी मिल गया था तब भी हम नौकरी नहीं किए, हम तो इसी आंदोलन में लग गए जेपी मुखर्ट कर, तभी से अपना सब कुछ शुरू हो गया, आगे बढ़ते रहे और हम लोग तो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग आए हुए हैं तो हमको तो आना ही था, हमको खुशी रहती, हम जो पढ़े हैं तब आप लोग आ गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, सब जगह के लोग आ गए तो बहुत आप लोगों का अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और जरा यहाँ कुछ जगहों को जरूर देख लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसा बन रहा है। और चूंकि आप लोग विशेषज्ञ भी, अगर जो कुछ भी हमने विचार रखा है इन लोगों को, अगर आप लोग भी सुझाव देकर के बनाएंगे कि किस तरह से और बेहतरीन ढंग से मेंटेनेंस हो सकता है तो बहुत लाभ होगा। इसलिए आप लोग आए हैं और 2 दिन तक आप लोगों का है और इसमें पूरे तौर पर एक एक बात करना चाहिए। और हम राज्य सरकार के लोगों से भी कहेंगे कि इनकी पूरी बात गंभीरता पूर्वक सुनिए और जो कुछ भी लोगों का अनुभव है उसके आधार पर आपको कुछ देंगे तो उसके आधार पर आप सब लोग अपनाइए उन सब चीजों को। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और आप सब यहां उपस्थित हुए हैं, पटना में आए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और अगर हम बैठते लेकिन हम कोई इजाजत दीजिए, हमको जाना है अभी राजगीर पहुंच जाना है बहुत जल्द, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को